ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, ऑपरेशन रिसर्च में। चैप्टर का नाम असाइनमेंट प्रॉब्लम और सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन 5 की मैंने इमेज कॉपी की है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जॉब्स एक्स वाई जेड आर टू बी डन ऑन 3 मशीन्स पी क्यू आर। द फॉलोइंग मैट्रिक्स शोज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डूइंग डिफरेंट जॉब्स ऑन डिफरेंट मशीन्स। Assign the 3 jobs to the 3 machines so as to minimize the total cost. अब सीधी बात है, ये मिनिमम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, तो जब भी कॉस्ट वाला सम होगा तो मिनिमम ही पूछा होगा, सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो जब मिनिमम वाला सम होता है, मैं आंसर शुरू करूं उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हियर मिनिमम cost is to be found, so we should start from step zero. मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो सॉरी मिनिमम पूछा है तो स्टेप 1, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो स्टेप 0 से स्टार्ट करना, मिनिमम वैल्यू पूछे तो स्टेप 1 से स्टार्ट करना। या मिनिमम कॉस्ट पूछा है तो हम लोग डायरेक्टली स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग मशीन्स दी हुई है और अलग अलग जॉब दिए हुए, 3 मशीन दी हुई है पी क्यू आर और 3 जॉब दिए हुए एक्स वाई जेड, और ऊपर लिखा हुआ है मशीन कॉस्ट इन रुपीस। मतलब मैं हिंदी में समझाऊं कि अगर हम लोग ये वाला एक्स काम पी मशीन पे करेंगे तो 21 रुपए खर्चा होगा, 21 रुपीस। अगर हम एक्स वाला जॉब मतलब काम पी वाली मशीन पे करेंगे तो 21 रुपीस खर्चा होगा। अगर हम एक्स वाला काम क्यू मशीन पे करेंगे तो 24 रुपीस खर्चा होगा। अगर हम एक्स वाला काम आर मशीन पे करेंगे तो 31 रुपीस खर्चा होगा। लेकिन हम लोग एक मशीन पे एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग एक मशीन पे एक ही जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मशीन को पी क्यू आर को एक एक जॉब, या एक्स या वाई या जेड, एक मशीन को एक जॉब हमको असाइन करना है। असाइन मतलब एक मशीन को एक ही जॉब देना है और एक जॉब एक ही मशीन पे होना चाहिए। तो P के सामने अगर X आया तो Y और Z नहीं आ सकते, Q के सामने अगर Y आया तो X और Z नहीं आ सकते। तो हमको इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। फिर ये आंसर लिखा हुआ है P टू Y, Q टू X, R टू Z, टोटल कॉस्ट 48 रुपीज। ये आंसर है, ये लास्ट की बात, 4 स्टेप्स के बाद ये 48 आएगा, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। तो मैंने क्या किया, पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, ये 21 11 15 मैंने कॉपी किया, 24 19 17 24 19 17, फिर 31 17 13 31 17 13, ये सब मैंने कॉपी किया, पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी किया। ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की वैल्यूज। अब आंसर में क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हम लोग स्टेप One से स्टार्ट करेंगे। Here minimum values to be found, so we should start from step one. तो उसमें क्या करना है, पहले ये पूरा टेबल बिना नंबर्स के सेम कॉपी करना। मैं पूरा टेबल सेम कॉपी करूंगा लेकिन बिना नंबर्स के, नंबर्स में कुछ भी नहीं लिखूंगा, नंबर्स मैंने अंदर के सारे डिलीट कर दिए, पूरा टेबल सेम मैंने कॉपी कर दिया, आपको नया टेबल बनाना है। अब पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है, स्टेप वन क्या होता है, रो मिनिमा। अब मैं हजारों लाखों बार बच्चों को बताता हूँ कि रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, रो ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है। मैं बहुत बार बच्चों को सिखाता हूँ कि जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, फिर भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि रो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक दो लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, जरे जिंदगी भर याद रहे ये रोज होती है, रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है इस तरीके से, ये रोज होती है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ऐसे रो होती है, रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रो मिनिमा में ये जो हमारे क्वेश्चन की वैल्यूज थी, ये सब हमारे क्वेश्चन की वैल्यूज थी, तो जो पहली रो है, पहली रो मतलब ये एक्स वाली रो, जो पहली रो है एक्स वाली, उसमें आपको ढूंढना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। रो मिनिमा, आपको ये ढूंढना है कि पहली रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो पहली रो में मिनिमम एलिमेंट 21 या 24 या 31,
तीनों में से मिनिमम कौन सा आपको ढूंढना है, तो ऑब्वियसली इन तीनों में से मिनिमम है 21, तीनों में से मिनिमम कौन सा है 21, रो मिनिमम, पहली रो में से मिनिमम मतलब 21 या 24 या 31, तीनों में से जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो आपको ढूंढना है, तो पहली रो में से मिनिमम है 21, ये 21 सब में से माइनस कर दो। अब मैं आपको ऐसा गोल्डन रूल बता रहा हूं जो आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना चाहिए, सुनना ध्यान से, मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, थियरी वाले पेजेस में लिख लेना, मैं ऊपर थियरी वाले पेजेस में जाता हूं। ये हमारे थियरी वाले पेजेस, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसमें तीन मेथड होते हैं, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हम अभी कर रहे हैं, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक मैं इसमें थियरी वाले पेजेस में और मेथड का नाम बताना भूल गया हूं, कौन सा, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, वो भी लिख देता हूं मैं आपको, और एक गोल्डन रूल बताता हूँ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम लिखने के बाद, एक रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम भी आता है, ये भी आपको सीखना है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर ही, राइट। इतने मेथड्स होते हैं, तो इन ऑल द अबव मेथड्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, इन ऑल द अबव मेथड्स, इन ऑल द अबव मेथड्स the sign of any number will always be positive, मतलब इन सारे चैप्टर्स में आप ऐसे बोल सकते हो, सारे चैप्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, कभी भी माइनस साइन नहीं आएगी, या जीरो आएगा, या जीरो आंसर आएगा, या प्लस में आंसर आएगा, that is any value in any method will be zero or positive, किसी भी method में कहीं पे भी minus sign होता ही नहीं, इन सारे chapters में कहीं पे भी minus sign नहीं होता, तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना, transportation हो, assignment हो, replacement हो, linear programming हो, कहीं पे भी minus sign आती नहीं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, माइनस साइन नहीं आती है, अभी वापस अपने आंसर पे आ जाते हैं, जो हमारा मेथड चल रहा था, ये जो हमारा मेथड चल रहा था, मैंने क्यों बोला माइनस साइन कभी नहीं आती है, मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे बच्चे, जैसे ये 31 है, ये आर के सामने 31 है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर 31-21 करना है कि 21-31 करना है, 31-21 करूं कि 21-31 करूं, तो मैं बोलता हूं बेटा जो भी माइनस करना है प्लस करना है कर, माइनस साइन नहीं आनी चाहिए, साइन हमेशा प्लस की लगानी, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बड़े नंबर में थे छोटा नंबर माइनस करोगे, तो 31-21 कितना होता है 10, तो मैं आर के सामने लिखूंगा 10, ये आर के सामने 10, फिर 21-21 ऑब्वियसली 21-21 जीरो होता है, फिर 24-21 थ्री होता है, 24-21 थ्री होता है, तो पहली रो में थे सबसे मिनिमम एलिमेंट था 21, हमने सब में थे 21 माइनस कर दिया, 21-21, 24-21, 31-21, अभी दूसरी रो का मिनिमम एलिमेंट, तो दूसरी रो का मिनिमम एलिमेंट मतलब 11 या 19 या 17, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, इन तीनों में से मिनिमम है 11, अभी सब में थे 11 माइनस कर दो, 11-11 तो यहाँ पे आएगा जीरो, फिर 19-11 ये आएगा 8, फिर 17-11 ये कितना आएगा 6, अब तीसरी रो में थे मिनिमम, सेम जैसे पहली दो रो किया उसी तरीके से तीसरी रो में थे मिनिमम, तो तीसरी रो में थे मिनिमम 15 या 17 या 13, तीनों में थे छोटा कौन सा है 13, तीनों में थे सबसे छोटा 13 है, अब सब में थे 13 माइनस करो, 15-13 तो 15-13 2 होता है, फिर 17-13 तो 17-13 4 होता है, 13-13 जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप वन, इसको स्टेप वन बोलेंगे, स्टेप वन, क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो हम स्टेप वन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो स्टेप वन का आंसर होता है, सुनना ध्यान से, जो स्टेप वन का आंसर होता है वही स्टेप टू का क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन की वैल्यूज थी, ये जो मैंने कलर किया अलग अलग, ये क्वेश्चन की वैल्यूज थी, तो क्वेश्चन की वैल्यूज में थे स्टेप वन आ गया, अब स्टेप वन के आंसर में थे स्टेप टू आएगा, सुनते रहो, ये स्टेप टू,
स्टेप टू कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं पूरा ये मैट्रिक्स कॉपी कर देता हूं, सेम जॉब्स और मशीन सेम पूरा मैं कॉपी कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप टू। स्टेप टू का नाम क्या होता है? स्टेप टू का नाम होता है कॉलम मीनिंग। कॉलम कैसे होते हैं देखने में? वर्टिकल। कॉलम कैसा होता है देखने में? वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाइंस होती है। देखो जब ये रो ओरिजेंटल होता है तो कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, ऐसे होता है, ये कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ठीक है, कॉलम्स इस तरीके से होते हैं वर्टिकल। अब कॉलम मिनिमम कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो जो स्टेप वन का आंसर था, मैंने नंबर सारे मिटा दिए, जो स्टेप वन का आंसर था वो स्टेप टू का क्वेश्चन है। अब कॉलम मतलब जैसे पहला कॉलम है पी वाला कॉलम, तो पी वाले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, इसको बोलते हैं कॉलम मिनिमम। पी वाले कॉलम में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जीरो है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जीरो। तो मैं यहां पे लिखूंगा मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? जैसे पी वाला कॉलम है, पी वाले कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है जीरो। तो आप सब में से जीरो माइनस करोगे तो जीरो माइनस जीरो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। ये हमारा स्टेप टू, जीरो। फिर जीरो माइनस जीरो तो ये भी जीरो ही आएगा। फिर टू माइनस जीरो ऑब्वियसली टू ही आएगा। सब में से आप जीरो माइनस करोगे तो सेम ही रहेगा, जीरो जीरो टू। अभी दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम मतलब क्यू वाला कॉलम। क्यू वाले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट मतलब थ्री एट फोर, तीनों में से मिनिमम कौन सा है? थ्री। थ्री एट फोर, तीनों में से मिनिमम थ्री। अब सब में से थ्री माइनस कर दो, सब में से थ्री 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 माइनस कर दो, तो थ्री माइनस थ्री जीरो, एट माइनस थ्री फाइव, और फोर माइनस थ्री वन। तो थ्री माइनस थ्री जीरो, एट माइनस थ्री फाइव, फोर माइनस थ्री वन। ठीक है, अभी तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है ये आर वाला। आर वाले कॉलम में, तीसरा कॉलम है आर वाला, आर वाले कॉलम में है टेन सिक्स जीरो। अब आपको करना है कि टेन सिक्स जीरो में दे सबसे छोटा कौन सा है, टेन सिक्स जीरो में सबसे छोटा है जीरो। अब सब में दे जीरो माइनस करो, अब सब में दे जीरो माइनस करोगे तो नंबर्स सेम ही रहेंगे। टेन सिक्स जीरो माइनस जीरो तो आंसर सेम ही आएगा, टेन माइनस जीरो टेन ही होता है, सिक्स माइनस जीरो सिक्स ही होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। ये आपका स्टेप टू हो गया, कॉलम मिनिमम। अब जो स्टेप टू का आंसर है वो स्टेप थ्री का क्वेश्चन है। स्टेप टू का जो आंसर है वो स्टेप थ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनते रहो, मैं यहां पे लिखूंगा स्टेप थ्री। स्टेप थ्री ये थोड़ा सा हार्ड होता है, सबसे हार्ड स्टेप यही होता है स्टेप थ्री। अब स्टेप थ्री में मैं लिखूंगा, स्टेप थ्री का नाम होता है मिनिमम लाइंस हमको ड्रॉ करनी है कवरिंग मैक्सिमम जीरोस। हमको ट्राई करना है कि कम से कम लाइन ड्रॉ करके, कम से कम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है लाइन, वर्टिकल भी हो सकती है, डायगनल नहीं हो सकता, डायगनल में कट नहीं करना है, या हॉरिजॉन्टली कट करना है सारे जीरोस को, या वर्टिकली कट करना है सारे जीरोस को, वो भी दिखा देता हूँ कैसे कट करते हैं। नंबर सारे सेम, जो स्टेप टू के नंबर्स थे वो सारे सेम, जीरो जीरो टू, जीरो फाइव वन, टेन सिक्स जीरो, वो सब सेम। ये नंबर सारे सेम, जीरो जीरो टू, जीरो फाइव वन, टेन सिक्स जीरो, वो सब सेम। अब हमको सारे जीरोस कट करने हैं, पहले हमको जीरोस काउंट करने, काउंट जीरोस, पहले हमको सारे जीरोस को काउंट करने दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, काउंट जीरोस, सारे जीरोस को काउंट करो। ठीक है, कितने कितने जीरोस हैं, और हिंदी में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा। जैसे पहला रो है एक्स वाला, उसमें कितने जीरोस हैं? ये एक जीरो पी वाला, एक जीरो क्यू वाला। आर में जीरो नहीं है बेटा, ऐसे नहीं बोलना सर टेन में भी एक जीरो है, नहीं, टेन इज नॉट जीरो। तो पी और क्यू मतलब दो जीरोस, तो हम ऐसे बोलेंगे दो जीरोस। अब वाई के सामने जीरो फाइव सिक्स, तो एक ही जीरो हुआ, एक जीरो। जेड के सामने टू वन जीरो, तो एक ही जीरो हुआ, एक जीरो। अभी यही जीरोस आप वर्टिकली काउंट करो, वर्टिकली जीरो जीरो टू, तो कितने जीरोस हुए? दो जीरोस। हिंदी में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा, दो जीरोस।
क्यू के सामने 051, कितने जीरो हुए, एक जीरो, एक जीरो, 1060, 1060 में एक जीरो। इस तरीके से आपको पहले जीरोस काउंट करने। अब जहां पे सबसे ज्यादा जीरोस हो उसको पहले कट करना है, ठीक है, और एग्जाम में भी पेंसिल से कट करना है। जहां पे सबसे ज्यादा जीरोस हो उसको पहले कट करना है। तो आप देखोगे ये जो रो है एक्स वाली रो, इसमें दो जीरोस है, और ये जो कॉलम है पी वाला कॉलम, इसमें भी दो जीरोस है। तो मैक्सिमम दो जीरो है, वर्टिकली भी दो है पी में, हॉरिजॉन्टली भी दो है एक्स में। तो अगर आप कभी इस सिचुएशन में, इस दुविधा में फंस जाओ कि वर्टिकली भी दो जीरोस है, वर्टिकली भी दो जीरो है, हॉरिजॉन्टली भी दो जीरो है, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉलम। तो पहला कॉलम कौन सा है, पी। अगर वर्टिकली भी दो जीरो और हॉरिजॉन्टली भी दो जीरो, तो पहले वर्टिकली आप लाइन को कट करोगे। तो मैं दो जीरोस को कट करूंगा, ये 002, तो मैं ये 002 को कट करूंगा। थोड़ी सी लाइन मेरे को सुधारनी पड़ेगी बेटा, ये जो 00 वाली 2 वाली लाइन है वो मैंने कट कर दी, मतलब मैंने दो जीरोस को कट कर दिया, 002 वाली लाइन मैंने कट कर दी। आपको भी ऐसे पेंसिल से डैश डैश करके कट करना है। ये मेरी एक लाइन बनी वर्टिकली, आप वर्टिकली कट कर सकते हो या हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो, बस डायगोनली नहीं। अब आपको फिर से जीरोस काउंट करने, कितने जीरो बच गए। तो एक्स वाली जो रो थी, एक्स वाली, उसमें एक दो जीरो थे, ये दो जीरो थे, उसमें से एक कट हो गया, बाकी कितना बचा, एक। वाई वाली जो लाइन थी, वाई वाला जो रो था, उसमें एक जीरो था, 056, एक जीरो था, वो जीरो कट हो गया, बाकी कितने जीरोस बचे, जीरो जीरोस, मतलब एक भी नहीं, एक भी जीरो नहीं बचा। जेड वाली जो रो थी उसमें एक ही जीरो था और वो जीरो अभी तक बाकी है। पी वाली जो कॉलम था, पी वाला, उसमें दो जीरोस थे, वो दोनों हमने कट कर दिए, बाकी कितने जीरोस बचे, जीरो जीरोस। क्यू में एक ही जीरो था वो बाकी है, आर में भी एक ही जीरो था वो बाकी है। अब फिर से आपको एक लाइन कट करनी है, और आपको ट्राई करना है कि जहां सबसे ज्यादा जीरोस हो उसको हम पहले कट करें। अब ये क्यू वाला जीरो और आर वाला जीरो, इसको हम डायगोनली कट नहीं कर सकते, तो क्यू वाले जीरो के लिए अलग लाइन बनानी पड़ेगी और आर वाले जीरो के लिए अलग लाइन कंपल्सरी बनानी पड़ेगी। तो क्यू वाला जीरो हम कट करेंगे, ये जो क्यू वाला जीरो है वो हमने कट कर दिया। अब फिर से आप जीरोस काउंट करो, कितने जीरोस बच गए, पी में एक भी जीरो नहीं, क्यू में एक भी जीरो नहीं, आर वाले कॉलम में एक जीरो बच गया, एक्स वाली रो में एक भी जीरो नहीं बचा, वाई वाली रो में एक भी जीरो नहीं बचा, और जेड वाली रो में एक जीरो बच गया। वही एक जीरो नीचे की तरफ भी लिखा हुआ है, वन मतलब एक जीरो, साइड में भी लिखा हुआ है वन मतलब एक जीरो। अब इस जीरो को कट करने के लिए, इस आर वाले जीरो को कट करने के लिए एक और लाइन बनानी पड़ेगी। तो कितनी लाइंस बनी टोटल हमारी टोटल तीन लाइंस बनी, तीनों वर्टिकल। अब मैंने आपको बताया था थियरी वाले पेजेस में कि अगर हमने जितनी लाइन बनाई तीन, उतने ही रोज है। देखो हमने भी तीन लाइन ड्रॉ की, तीनों वर्टिकल, और हमारे नंबर ऑफ रोज भी तीन है, और हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स भी तीन है। तो अगर हमने तीन ही लाइन बनाई और तीन ही रोज है, तीन ही कॉलम्स है, लास्ट में यहाँ पे भी एक जीरो, एक भी जीरो नहीं बचा, यहाँ पे भी एक भी जीरो नहीं बचा। अब सुनना ध्यान से, डिसीशन ये होता है कि हेयर द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो हमने कितनी लाइन ड्रॉ की, तीन। नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन दैट इज थ्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दैट इज थ्री। मतलब हमने लाइन्स भी तीन ड्रॉ की और रोज और कॉलम्स भी तीन ही है। सो सॉल्यूशन इज अवेलेबल एट, ऐसा एग्जाम में आपको लिखना है, सब जो मैं लिख रहा हूं सब लिखना है,
सो सॉल्यूशन इज अवेलेबल एट दिस स्टेज. तो हम अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है, हमने तीन लाइन बनाई और रोज भी तीन है, कॉलम्स भी तीन है, तो हम सीधा स्टेप फोर तो हम लोग सीधा स्टेप फोर पे चले जाएंगे, क्योंकि तीन ही लाइन हमने बनाई और रोज भी तीन है, कॉलम भी तीन है. अब स्टेप थ्री का जो आंसर होगा ये वाला 002051 ये स्टेप फोर का क्वेश्चन होगा. सुनना ध्यान से, ये स्टेप थ्री का आंसर पूरा कॉपी करेंगे, ये स्टेप फोर में लिखेंगे. यहां पे मैं कर दूंगा स्टेप फोर. स्टेप फोर का नाम अलग होता है. स्टेप फोर का नाम होता है रो हैविंग सिंगल जीरो. स्टेप फोर का नाम होता है रो हैविंग सिंगल जीरो. तो पूरा जो स्टेप थ्री का आंसर था वो कॉपी किया. ये लाइंस भी मिटा देता हूं मैं. स्टेप फोर में लाइंस कट करने का तरीका अलग होता है. पूरा स्टेप थ्री जो था आप देख सकते हो, ये 002051 1060 ये स्टेप थ्री था. ये मैंने पूरा कॉपी किया 002 002051 1060. अब स्टेप फोर में लाइंस कट करने का तरीका अलग होता है. ये तरीका होता है रो हैविंग सिंगल जीरो. स्टेप थ्री में क्या, एक साइड से ही कट करते या कॉलम वाइज या रो वाइज, एक ही लाइन कट करते. स्टेप फोर में दोनों साइड से कट करते. सीखना, ध्यान से सीखना. स्टेप फोर में जैसे पहली रो है एक्स वाली रो, ये रो है, क्या इस रो में सिंगल जीरो है, नाम भरो रो हैविंग सिंगल जीरो. क्या इस रो में सिंगल जीरो है 0010, नहीं सिंगल जीरो नहीं है, तो x वाली जो रो है उसको छोड़ दो जाने दो. y वाली जो रो है 056 उसमें सिंगल जीरो है, हाँ है जीरो, ये जो जीरो है ये एक ही जीरो है. y वाली जो रो है इसमें सिंगल जीरो है, हाँ है, तो इस जीरो के बाजू में एक स्टार लगाने का. जैसे मैंने स्टार लगाया, एक स्टार लगाना है. फिर इसको स्टार लगा के कैसे कट करना है, इसको स्टार लगा के कैसे कट करना है, इसकी इसका कॉलम भी कट करना है और इसका रो भी कट करना है. सीखो अच्छी तरह से. जो जीरो पे आपने स्टार लगाया, जो जीरो पे आपने स्टार लगाया, क्योंकि y वाली जो रो थी, जो y वाली रो थी उसमें सिंगल जीरो था, आपने सिंगल जीरो पे स्टार लगाया और उसको दोनों साइड से कट किया, इसका वर्टिकली भी कट किया कॉलम और हॉरिजॉन्टली भी कट किया रो. मतलब हमने p मशीन जो है उसको एक जॉब असाइन कर दिया y. ये हमारा पहला आंसर आ गया, मशीन्स और जॉब्स. ये पहला हमारा आंसर आ गया कि हमने पी मशीन को कौन सा जॉब दिया, वाई. आप याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था रो हैविंग सिंगल जीरो. तो जो पहली रो थी एक्स वाली उसमें दो जीरो थे, जीरो जीरो, उसको मैंने छोड़ दिया, मैं नीचे चला गया वाई. वाई में सिंगल जीरो था, हाँ यहाँ पे सिंगल जीरो था, तो मैंने स्टार लगाया और उसको दोनों साइड से कट कर दिया. मतलब y जॉब हम p मशीन को देंगे और p मशीन को y जॉब देंगे. उल्टा बोलूं तो p वाला जो जॉब है वो और किसी मशीन को नहीं दे सकते, y वाला जो जॉब है वो हम और किसी मशीन को नहीं दे सकते, और p वाली जो मशीन है वो हम और किसी जॉब को नहीं दे सकते. p के सामने y ही आएगा. उसी तरीके से z वाला जॉब, Z वाले जॉब में सिंगल जीरो है, हाँ है, ये वाला सिंगल जीरो है. अगर सिंगल जीरो है तो इधर एक स्टार लगाओ, स्टार लगा के इसको दोनों साइड से कट करो, इसकी रो भी कट करो और इसका कॉलम भी कट करो. स्टार लगा के इसको दोनों साइड से कट करो. अभी हमने Z वाला जॉब किसको दे दिया, R को. Z वाला जॉब R को दे दिया, मतलब R मशीन में Z वाला जॉब होगा. ठीक है, अभी आप देखोगे ना एक ही जीरो बचेगा लास्ट में. ये स्टार हमेशा
जीरो पे ही आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टार हमेशा जीरो पे ही आना चाहिए। तो पहले वाई के सामने सिंगल जीरो था, उधर स्टार लगा दिया, दोनों साइड से कट कर दिया। जेड के सामने सिंगल जीरो था, उधर स्टार लगा दिया, दोनों साइड से कट कर दिया। अब एक्स के सामने एक ही जीरो बचेगा। अब एक्स के सामने जो एक जीरो बच गया, उधर स्टार लगा दो और दोनों साइड से कट कर दो। इसका रो भी कट कर दो और इसका कॉलम भी कट कर दो। अब आप देखोगे लास्ट में सारे रोज और सारे कॉलम्स कट हो गए। मतलब हमने एक्स जॉब कौन सी मशीन को दिया, क्यू को दिया। हमने एक्स जॉब क्यू मशीन को दिया, डन। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। लेकिन एक छोटी सी स्टेप और भी बाकी है, मैं समझाता हूँ वो स्टेप क्या है। मतलब पी मशीन पे कौन सा काम होगा, वाई। पी मशीन पे वाई काम होगा। फिर एक्स मशीन पे कौन सा काम होगा, क्यू काम होगा। और आर मशीन पे कौन सा काम होगा, जेड वाला काम होगा। अब आपको पी के सामने वाई इसकी वैल्यू चेक करनी है। चेक वैल्यू या नंबर फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, फ्रॉम आपका क्वेश्चन पेपर। आप अपने क्वेश्चन पेपर में से चेक करना कि पी के सामने वाई जो है, पी के सामने वाई उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ। हम क्वेश्चन में जाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है, पी के सामने वाई कौन सी वैल्यू है, 11। वो आप लिखना शुरू करो, पी के सामने वाई वैल्यू है 11। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11, मतलब 11 रुपीस। अब एक्स के सामने क्यू, एक्स के सामने क्यू, क्वेश्चन पेपर में जाओ और एक्स के सामने क्यू, ये एक्स, एक्स के सामने क्यू कौन सी वैल्यू है, 24। ये 24 लिखो, 24 यहाँ पे लिखो, 24 रुपीस। और आर के सामने जेड, क्वेश्चन पेपर में चेक करो आर के सामने जेड कितनी अमाउंट थी। आर के सामने जेड, तो आर के सामने जेड है 13 रुपए, 13 रुपए, 13 आर के सामने जेड, तो आप लिखोगे 13। फिर आप इन दिनों का टोटल करोगे, मतलब 11, 24, 13, टोटल 48। बुक वालों का भी 48 ही था, हमारा भी 48 ही है, ठीक है। ये 48 क्या है, ये 48 है टोटल मिनिमम कॉस्ट। अगर हम लोग अलग अलग मशीन पे अलग अलग काम करेंगे, एक एक मशीन पे एक एक काम, तो मिनिमम खर्चा हमारा 48 रुपीज होगा। सो द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज रुपीज 48, ये हमारा आंसर 48। इसको बोलते हैं असाइनमेंट, मतलब कौन सी मशीन पे कौन सा काम होगा, ये हमने असाइन किया, तो 48 हमारा आंसर, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, लिखना अच्छे से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। असाइनमेंट प्रॉब्लम का सबसे इजी एग्जांपल था, जो मैंने थियरी में लिखा वो भी लिखना। मैं स्क्रॉल करता हूं, ये क्वेश्चन पेपर है, यहां से क्वेश्चन है, यहां से हमारा आंसर। ये क्वेश्चन ही लिखा है सारा, फिर से ये स्टेप वन, ये स्टेप टू, ये स्टेप थ्री, ये स्टेप फोर, ये फाइनल आंसर, ठीक है। इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो बेटा।